हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मैमल्स इज. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा ग्लैंड बताना है विच इज एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मैमल्स. ऑप्शन ए इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी इज पैलेट ग्लैंड, ऑप्शन सी इज मशरूम ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग मेल्स मैमल्स की बात करें तो जो मैमल्स होते हैं उनमें जो मेल्स होते हैं तो यहाँ पे जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस. टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे दे इंक्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स एंड बल्बोरेथरल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जो मेल मैमल्स में हमें प्रेजेंट दिखते हैं. तो यहाँ पे ये जो तीनों ही ग्लैंड होते हैं, दीज एक्सेसरी ग्लैंड, इनका काम क्या होता है कि ये यहाँ पे सेक्रीट करते हैं फ्लूइड्स को. दे सेक्रीट फ्लूइड्स और ये जो फ्लूइड्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड इन टू द यूरेथ्रा. ये यहाँ पे यूरेथ्रा में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हमसे यही पूछा था कि अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मैमल्स इज, तो वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड. अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें तो उसमें यहाँ पे हमारा दे रखा है फेलिक ग्लैंड, देन कम्स मशरूम ग्लैंड और जो हमारा लास्ट ऑप्शन दे रखा है वो है कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड. तो ये जो तीनों ही तरह के ग्लैंड होते हैं ये हमें मैमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं इन कॉकरोच. हमें ये कॉकरोच में देखने को मिलते हैं जो बिलोंग करता है टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. वो आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.